हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाकर फारूक सत्तार से मिलवाया, आप एस्टेब्लिशमेंट से सारा कुछ ये करवा रहे हो हमारे ऊपर, पूरे पाकिस्तान में हमें एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है। वैभी ताकत, तीसरी कुव्वत या मास्टरमाइंड, एस्टेब्लिशमेंट के कई नाम हैं। सियासी जमातें एस्टेब्लिश होने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेती हैं। पुराना फॉर्मूला आज भी कारामद है। मुत्तहदा नया चेहरा लिए पुरानी सियासत और पुराने मोहल्ले लौट आई फारूक सत्तार। पुराना मैंडेट लेने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल से लाख गिले सही, लेकिन गले लगाने को आज भी तैयार हैं। दो दिन बाद मुस्तफा कमाल का जवाबी हमला। एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मुजाकरात रजामंदी से नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की रजा से हुए। कमाल जलाल में बहुत कुछ कह गए। और कराची में पैदा होने वाले सियासी खला को पुर करने के लिए पीपल्स पार्टी सरगर्म है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कई नाराज रहनुमा पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। मुल्क की सियासत में तीसरी कुव्वत, इस तीसरी कुव्वत का किरदार अक्सर मौजूए बहस रहता है। सियासतदानों की ज़बान पर अक्सर तीसरी कुव्वत का जिक्र होता है। कहा यह जाता है कि जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इदारे अपनी हदूद में काम करें। मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और कई मामलात, इसमें तीसरी कुव्वत यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल पर तनकीद की जाती है। इसे जमहूरी निज़ाम में मदाखलत समझा जाता है और हर सियासी हलचल के बाद बड़ी सियासी जमातें दबे लफ्जों में इस बात का इजहार करती नजर आती हैं। पनामा केस अगर आप देखें तो अदालती तरीक़ाकार से लेकर व्हाट्सएप कॉल, जीआईटी की जो तश्कील थी वो, और हसन हुसैन नवाज की जो तस्वीर लीक हुई थी, इस मामले में भी मुस्लिम लीग नून ने दबे लफ्जों में तीसरी कुव्वत के मुलव्वस होने का जिक्र किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से शिकवा किया कि वो किसी को खुश करने के लिए उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। हुकुमरान जमात मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस दौड़ में शामिल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए ये कह चुके हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो एक तरफ सियासी जमातें हैं तो दूसरी जानब DGISPR एक मौके पर वजाहत दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं। लेकिन कराची की जो ये तेज़ी से बदलती हुई सियासत है, इसने एस्टेब्लिशमेंट को अपनी लपेट में लिया है। पहले एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार ने दबे लफ्ज़ों में इसका जिक्र किया और फिर PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल, इन्होंने खुलकर सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बताया और दोनों के जो एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम थे वो इल्ज़ाम क्या हैं और क्या कह रहे थे फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। कराची हो या पाकिस्तान हो, इंजीनियर सियासत नहीं चल सकती, नेचुरली सियासत चलेगी, फितरी और कुदरती तौर पर चलेगी। जो आवाम के दिल पर राज करेगा उसी की हुकूमत होगी, किसी और की हुकूमत नहीं हो सकती। एस्टेब्लिशमेंट ये वाला काम करा रही है, ये आपस में मिलाने का काम करा रही है। हमें एस्टेब्लिशमेंट के जरिए कॉल करके हमें बुलाते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट से सारा कुछ ये करवा रहे हो हमारे ऊपर। एमक्यूएम पाकिस्तान तो बनी जनरल बिलाल अकबर साहब के कमरे में, उस वक्त के डीजी रेंजर्स। पाकिस्तान का कौन सा सहाफी है, कौन सा एंकर है और कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन सा बिजनेसमैन है जो एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करता। वो सियासत हो या बिजनेस, एस्टेब्लिशमेंट। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ही नहीं, वज़ीरे रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट पैगाम में ये कहा कि सियासी जमातें बनाने और तोड़ने का जो मशगला है इसको तर्क करना होगा। PSP और MQM का इंजीनियर्ड मिलाप 24 घंटों में नाकाम हुआ। मुल्क में मौजूदा हालात काफ़ी अलार्मिंग है। सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की ज़रूरत खूब पेश आ रही है। ये इस्टेब्लिशमेंट है क्या? क्या ये मुल्क में अमन इस्तेहकाम के सिलसिले में कोशिशों का एक हिस्सा है? जमहूरी निज़ाम के लिए यह बेहतर है या नुकसानदेह है? इस पर अब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोइनुद्दीन हैदर साहब। बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब आपका। कराची की जो ये सियासत है इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, इस पर
बात तो बहुत हुई है, लेकिन जितना खुलकर इजहार इस मरतबा सामने आया है, फारूक सत्तार साहब हो गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब, दोनों ने ये कह दिया कि जो दोनों की जमातें हैं उनकी मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट ने कराई। अब ये जो भी मुलाकातें हैं या री इंजीनियरिंग है, किसके मफाद में ये है, और अगर तारीखी हवाले से देखें तो कितना डिफरेंट है ये, कितनी मुख्तलिफ है ये री इंजीनियरिंग? देखिए, MQM की जो पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री है, जबकि अल्ताफ़ हुसैन साहब इसको लीड कर रहे थे, तो उस ज़माने में इनकी बहुत ये मद्दोजज़र और उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। इन पर इल्ज़ाम थे कि ये भत्ता भी लेते हैं, ये कत्ल भी कर डालते हैं दूसरे मुखालफिन को, और अपने लोगों को भी बार दफ़ा जो मुनहरिफ हो उनको भी कत्ल कर डालते हैं। तो इस किस्म का इनका इम्प्रेशन बना हुआ था। फिर बीच में जब इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए तो पता चला इनके कुछ लोग जो है हिंदुस्तान चले गए, फिर कुछ पे इल्ज़ाम लगे कि रॉ ने इनको ट्रेन करके वापस पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया। तो इस किस्म के बहुत ये जो है लंबे इल्ज़ाम बाकी अफरत लगते रहे। जब फैसला हुआ पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान का कि पाकिस्तान में तमाम किस्म का टेररिज्म जो है वो ख़त्म किया जाएगा, चाहे फाटा में हो, चाहे सबात में हो, बलूचिस्तान में हो, या कराची जैसे अहम शहर में हो जो पाकिस्तान की शहरग है, जहाँ तक ताल्लुक है माशियात का जी। तो उसमें फिर यहाँ जब सफाई शुरू हुई तो सबके खिलाफ ही सफाई शुरू हुई। उसमें पीपल अमन कमेटी के लोग भी थे, उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी थे, तहरीक तालिबान सवाद भी थी, उसमें लश्कर जंगवी के लोग भी थे, उसमें MQM के लोग भी थे, और गिरफ्तार जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी जिनको अब इस्टेब्लिशमेंट कह रही हैं, उन्हें इनको समझाया कि आप तशद्दुद की राह छोड़ दें, सियासत करें, जलसे जुलूस करें, मुस्बत तरीके से कराची में हालात पैदा करें और लड़ाई झगड़ा यहाँ पर ताकि बंद हो। और इत्तेफाक की बात कि उसी दिनों में अगस्त में अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल तकरीर की पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिस पर तमाम पाकिस्तानियों को बहुत दिली दुख हुआ, और MQM जो उनको साला साल से उनके अंदर डालते चली आ रही थी इस किस्म के इरशादात पर, इस किस्म की तकरीर पर, उनके लिए नामुमकिन हो गया कि अब वो अल्ताफ हुसैन साहब को डिफेंड कर सके। मोइनुद्दीन साहब, जिस तरह उन्हें पाकिस्तान आपने जो पस मंजर बयान किया, खासा तफसीलन आपने पस मंजर तो बयान किया, ठीक है ये मुस्बत है कि कराची के अंदर अमन अमान लौटा है, यहाँ पर सुकून पहले से ज्यादा हुआ है, लेकिन PSP को इस्टेब्लिशमेंट की जमात कहा गया, फिर MQM पाकिस्तान आती है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की जमात, रेंजर्स हेडक्वार्टर में MQM पाकिस्तान का क्याम अमल में आया, ये आज कह रहे थे मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार को उसका सरबरा बना दिया गया, सियासी जमातों का ये जो जोड़ तोड़ है इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसको बड़ा मशकूक दिखाया जाता है, तो इससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो कितना डैमेज होता है? जी हाँ, इसको सियासी लोग तो अच्छा नहीं समझते, और उनका यही ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं अपना लेना चाहिए जी। और सियासी जमातों को अपने नेचुरल तरीके से अफाम व तफीम से आपस में जो है बनाने चाहिए इत्तेहाद भी, और अफाम व तफीम बातचीत के ज़रिए से सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस सूरत हाल में जिस वक़्त आए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने PSP की बुनियाद डाली थी, उस वक्त भी ये कहा गया कि किसी के इशारे पर ये पाकिस्तान में आए हैं, और उस वक्त अगस्त की वो कंट्रोवर्शियल तकरीर अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं की थी, लेकिन सबसे पहला जो रिश्ता तोड़ा वो उन्होंने ही तोड़ा था, और अंदरूनी कहानियाँ बयान MQM की उन्होंने की थी और उनसे अलहदा हो गए थे जी। बाद में फारूक सत्तार साहब भी अलहदा हो गए। तो जब दोनों ने अलहदा हो गए और दोनों के मकासद एक हो गए, कराची में अमन की लाया जाए और साफ सुथरी सियासत की जाए, तो मेरे ख्याल से एक नेचुरल बात बनती थी कि ये दोनों लोग आपस में इंतजाम कर लें या आपस में प्लानिंग पैदा करके एक हो जाए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा हकीकी के पास भी MQM हकीकी के पास भी कोई जवाब नहीं रहा कि वो अलहदा अभी अपनी पार्टी रखे, ये तीनों जमा होकर एक मजबूत सियासी जमात के तौर पर कराची में काम करें, उससे कराची के लिए भी बेहतरी है, सिंध के लिए भी बेहतरी है, आप तो तीन का कह रहे हैं मोइनुद्दीन साहब, लेकिन MQM पाकिस्तान और PSP दोनों ना मिल सकें, गैर फितरी इत्तेहाद ये कहलाया, दोनों एक दूसरे को कबूल करने पर किसी तौर पर तैयार नहीं है, तो फिर तीन जमातें कैसे मिलकर बैठ सकती हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से बिल्कुल गैर फितरी इत्तेहाद नहीं था, ये फितरी इत्तेहाद है, ये साथी हैं पुराने,
ये एक साथ रहे हैं, जब एम क्यू एम पर बहुत उंगलियाँ उठती थी जब भी ये साथ थे, और अब जिस तरह हालात बेहतर हो गए और अमन आ गया है और दोनों ने जो है ताल्लुक लंदन से तोड़ लिया है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत फितरी इत्तेहाद बनता है इनका आपस में इकट्ठा होना। और दोनों ने इस बात का इंदिया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि हमारा मुज़ाकरात जारी रहेंगे और हम आगे हो सकता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग। ये जो सारी ऑनगोइंग सिचुएशन है मोहिनुद्दीन साहब, इसको फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान से अचानक से रब्ता भी हुआ, फिर इंजीनियर्ड सियासत नाकाम और इससे मुतालिक साद रफीक साहब ने एक ट्वीट भी किया है, गवर्नर सिंध की जानिब से फारूक सत्तार पर दबाव का बयान भी सामने आया, तो मौजूदा सूरत हाल में आप इलेक्शन से पहले मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी आपस में नहीं मिलती, तो क्या मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान इनके दरमियान किसी किस्म का कोई अलायंस हो सकता है, जिस तरह से ये करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं? बातचीत कुछ हुई थी और नून लीग ने को रबते भी कायम किए थे, और अगर ये दोनों जो है ये फैक्शन जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये इनका जब गुबार दिल का निकल जाएगा, इल्जाम की बारिश ख़त्म हो जाएगी, तो हो सकता है कि ये एक हो जाएं, और एक होकर कोई हर्ज नहीं, ये इंतखाबी इत्तेहाद नून लीग से भी कायम कर सकते हैं, किसी और पार्टी से भी तरीके इंसाफ से भी कर सकते हैं, ये पीपल पार्टी से भी कर सकते हैं, वो भी एक फितरी इत्तेहाद इसलिए कहलाएगा कि पीपल पार्टी भी जमात है और वो रूरल एरियाज में उनके डोमिनेंस है, तो अगर ये दोनों आपस में हाथ मिलाएं तो शहरी इलाकों में और देही इलाकों में एक अच्छी फिजा कायम हो सकती है, और सिंध का सूबा बहुत तेजी के साथ तरक्की में आगे बढ़ सकता है। सही। तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं, और तमाम चीज़ों पर जो मुनासिब होगा ये आपस में अफाम व तफहीम के जरिए से इसके नतीजे पहुँचेंगे, और मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो इस्टेब्लिशमेंट को इसमें बहुत दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, सियासी इत्तेहादों को अपने आप के तौर पर अफाम व तफहीम और गुफ्तगू से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहिनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हमारे हमराह थे। अफाम व तफहीम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, लेकिन क्या ये अफाम व तफहीम हो पाएगा, ये इत्तेहाद हो पाएगा? एमक्यूएम पाकिस्तान का मौके इस पर लेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग न्यूज़ आर विद नाजिया। हमने इस एमक्यूएम को दफन करना है, ये 22 अगस्त को दफन हो गए थे। वेलकम बैक। एमक्यूएम पाकिस्तान ने आज कराची की सियासत को नया रंग दिया है, मुश्किल और पुरखार रास्ते थे जिनको चुना और बिलाखिर अपनी मंजिल यानी कि अजीज़ाबाद वहां तक पहुंचने में कामयाब हुई है। फारूक सत्तार ने पार्टी रहनुमाओं के साथ यादगार शहदा पर आज हाजिरी दी, फातिहा खानी की और रास्ते में जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ कारकुनान फूलों से इस्तकबाल करते रहे। तो अजीज़ाबाद में आज वही मनाजिर देखने को मिले हैं जो एमक्यूएम के उरूज के दिनों में देखने को मिलते थे, वही रहनुमा, वही कारकुनान और वही गलियाँ। गर्ज ये कि एमक्यूएम फिर से मुतहरिक हुई है, जान नहीं थी इस पार्टी के अंदर, बेजान पार्टी थी जिसके अंदर नई जान पड़ी है, और इसका सहरा फारूक सत्तार की सियासत को जाता है जिन्होंने 5 नवंबर को कराची में एक कामयाब जलसा किया, अपनी जो सियासी ताकत थी उसका मुजाहिरा किया और मुखालफीन खसूसन पीएसपी के रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद अचानक से कराची की सियासत ने पलटा खाया। एमक्यूएम और पाकिस्तान और पीएसपी एक प्लेटफॉर्म पर आते आते दूर हुए हैं। पिछले 2 रोज़ में क्या कुछ हो गया इसकी एक झलक देखिए। सियासी जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अब तक जारी है। तयशुदा निकात की कॉपी पीएसपी और मुत्तहदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की जो मंजर आम पर आई और निकात ख्वाजा इजहारुल हसन ने तहरीर किया, ये कहा गया कि एक निशान
एक नाम होगा, एक मंशूर होगा जिस पर इंतखाब लड़ा जाएगा। अदम तसादुम और अदम तशद्दुद की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इन निकात ने एक फिर नया महाज खोला और आखिर बात बनते बनते बिगड़ी क्यों है। फारूक सत्तार इसका जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे रहे हैं और शोदा यादगार पर MQM अराकीन के हमरा हाजिरी के मौके पर फारूक सत्तार का ये कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल ने इत्तेहाद और यकजहती की जो कोशिशें उनकी जानिब से की गई थी उसको सबोताज किया। तहम फारूक सत्तार ने यह वाजे किया है कि PSP से इत्तेहाद के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। MQM के सरबराह कहते हैं कि वो साफ सुथरी MQM कायम करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने साफ सुथरी MQM पाकिस्तान पर ही कई इल्ज़ाम लगाए हैं और ये कहा है कि MQM पाकिस्तान को कारकुनों की परवाह नहीं है। MQM के जो लापता कारकुनान हैं उसके हवाले से उनके जो इंकशाफात थे ये सुनिए। मुस्तफा दिन से कह रहे हैं मुझसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट से बात ही नहीं करता कोई, इसलिए कि मेरे पास 300 माएं रोजाना आती हैं जिनके बच्चे लापता हैं, तो वो ईदी सेंटर में तो है नहीं, तो मैं उन माओं के बच्चों को छुड़वाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा तो और किससे बात करूंगा। तो MQM पाकिस्तान ने एस्टेब्लिशमेंट और हसास इदारों पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो अफसोसनाक हैं ये कहा। और इस धुआंधार इनिंग के बाद MQM पाकिस्तान का अब अगला लाहे अमल क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या फिर MQM और PSP सियासी इत्तेहाद कर सकती हैं, ये तमाम तर सूरत हाल ये हम डिस्कस करेंगे MQM पाकिस्तान के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर शब्बीर कायम खानी से। लेकिन पहले एक ब्रेक, कीप वॉचिंग न्यूज़ और विद नाजिया। वेलकम बैक। MQM पाकिस्तान का आज पावरफुल शो। MQM पाकिस्तान में पड़ती हुई नई जान और उनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या है, क्या PSP से दोबारा इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर हम बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शब्बीर कायम खानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब आपका। फारूक सत्तार साहब ने तो बंद खत में कहानी लिखी थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने आज बड़े खुलेआम संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं और सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो यह है कि MQM पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। जब सब कुछ दोनों जमातों के दरमियान तय ही हो गया था, मुलाकात भी हो गई थी, मुज़ाकरात भी हो गए, तो फिर पीछे क्यों हटे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि MQM पाकिस्तान कोई आज नहीं बनी है, ये 18 मार्च 1984 में ये पार्टी बनी थी। इस पार्टी को बने हुए तकरीबन मैं समझता हूँ शायद कोई कमोबेश 40 साल होने को आगे, 38 ईयर्स। तो ये कोई एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाई, ये आवाम ने बनाई है, कारकुनान ने बनाई है इस पार्टी को। और बाकी रहा सवाल के इल्ज़ाम तराशी, तो कोई आज नई बात नहीं, शुरू से ही हो ही रही है हमारे पे इल्ज़ाम तराशी और हम कोई पीछे नहीं हटे। क्योंकि जो 3 रोज़ पहले जो मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई इंतजाम हमारा नहीं हुआ था, कोई मर्जर नहीं हुए थे हम। उस वक्त भी फारूक सत्तार भाई ने कहा था कि MQM अपनी जगह पर बरकरार रहेगी, उसी मंशूर के साथ, उसी परचम के साथ MQM कायम रहेगी। अब अगर कोई कहता है कि हम MQM को दफन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो किसी कहने से MQM ना पहले कभी ख़त्म हुई है ना दफन हुई है। क्योंकि MQM आपको पता है कि MQM के पीछे लाखों लोग, करोड़ों लोग MQM के वोटर हैं, MQM को चाहने वाले हैं, और इसी MQM के लोग कैसे ख़त्म होने देंगे जिसके पीछे हमारे हज़ारों शोधाओं ने जाने दी हैं। इस वक्त भी हमारे सैकड़ों कारकुनान रूपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो अपनी गुफ्तगू का आगाज किया उसमें आपने ये कहा कि MQM आज नहीं बनी, 80s में बनी है, क्या ये वही अल्ताफ हुसैन की MQM है? फिर आज क्यों कह रहे थे कि तमाम इल्जामात से पाक है ये MQM और एक नई MQM का जन्म हुआ है? आज फारूक सत्तार साहब ने तो ये कहा कि ये एक नई MQM है। देखो, हमने ये नहीं कहा कि नई MQM, हमने कहा MQM तो वही जो पहले थी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 22 अगस्त 2016 को जब लंदन से लगा जी, और जब सूरत हाल पाकिस्तान, मैं तो सब पाकिस्तान में भी, तो जब सूरत हाल ख़राब हुई और यकीन उसकी वजह से MQM पे बैन लग जाता उस दिन, ये पार्टी ख़त्म हो जाती उस दिन। हम नहीं चाहते कि ये पार्टी ख़त्म हो। मैं इस बात को फिर दोबारा दोहराता हूँ कि ज़ाहिर है इस पार्टी को बनाने में हज़ारों हमारे शोधाओं का लहू शामिल है इसकी बुनियादों में। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि कौम मायूस हो जाती, खासकर उर्दू बोलने वाले जो एक अरसे से इस पार्टी के साथ थे, इस पार्टी को वोट देते रहे, जाने देते रहे। तो हम नहीं चाहते कि इस पार्टी का चैप्टर क्लोज हो। तो हमने लंदन से लातालुकी करके 23 अगस्त को दोबारा से एक नए अज़्म के साथ इसी पार्टी में हमने काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने पाकिस्तान परचम को बुलंद करने के लिए हमने अज़्म किया, हमेशा हमने पाक फौज की बेहतरी के नारे लगाए, इस मुल्क के नारे लगाए, क्योंकि हम भी
उन्हीं के औलादे हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया, और अब भी हम एस्टेब्लिशमेंट से यही कहते हैं कि खुदारा हमें स्पेस दिया जाए। ठीक है, ये जो आप एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, फिर आपने जो नाम लिया मुस्तफा कमाल साहब, तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं आपके कारकुन, जो लापता कारकुन हैं, क्या आप लोगों का भी यही स्टांस है? हो सकता हो, हम तो अपीलें कर दें ना, हम तो कहते हैं जिसके पास भी हो वो बराए करम उनको अदालतों में पेश कर दें, किसी ने जुर्म किया है तो वो उसकी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। हम अगर जिसने जुर्म किया उसके लिए हम कतई नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे जो बेगुनाह कारकुन की हम बात करते हैं, जो हमारे बेगुनाह और ज्यादातर हमारे बेगुनाह ही कारकुना ने सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि हमने एमक्यूएम का परचम बुलंद किया है, हमने 12 किया गया, हमारे लंदन से अब कोई ताल्लुक नहीं, हमने अपनी लातालुकी जाहिर की। अब हम किस तरह बयान करें, किस तरह हम अपना यकीन दिलाएं कि अपना हम यूरिन टेस्ट करवाएं, हम अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, क्या करवाएं हम, किस तरह से हम लोगों को। जी बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान एमक्यूएम हमारे हमराह थे और लंदन से लातालुकी का एक बार फिर ऐलान कर रहे थे। एक ब्रेक, और एक इस ब्रेक के बाद सिंध की जो दूसरी जमातें हैं, खासतौर पर सिंध की बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस तमाम तर सिचुएशन को किस तरह से ऑब्जर्व कर रही है, इस पर बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। एमक्यूएम में धड़ेबंदियों के बाद सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसके वोट बैंक पर सारी सियासी जमातों की नज़र है। पीपल्स पार्टी भी इस वोट बैंक को अपने खाते में जमा करने के लिए बड़ी ऊपर उम्मीद है। एमक्यूएम पाकिस्तान के जो नाराज रहनुमा हैं पीएसपी ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी उनसे रबते कर रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। साबिक सदर के करीबी साथी डॉक्टर आसिम, इन्होंने आज अपनी पेशी के मौके पर ये कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कई रहनुमा हैं जो कि पीपल्स पार्टी से रबते में हैं। कराची में होने वाली सियासी गहमा गहमी पर पीपल्स पार्टी ने खास तौर पर नज़र रखी हुई है। वैसे भी आसिफ अली जरदारी इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ और इलेक्शन के बाद मुफाहमत की सियासत के लिए बहुत मशहूर हैं, लेकिन कराची की सियासत में होने वाली तब्दीलियाँ पीपल्स पार्टी को किस हद तक फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, और क्या एमक्यूएम के मुनहरिफ रहनुमा जो नाराज़ रहनुमा है पीपल्स पार्टी के लिए कारामद साबित हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि एमक्यूएम में इससे पहले वोट किसी भी शख्सियत को ज़ाती हैसियत में नहीं मिला। इसी बात का चर्चा अगर पीएसपी भी करती रही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के पास मैंडेट बानी एमक्यूएम का है, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान भी नया रूप और पुरानी सियासत लेकर मंजरियाम पर आई है। महाजिरों के हकूक़ ही नहीं महाजिर सूबे की भी बात की गई है। तो इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा और डिप्टी स्पीकर सिंध शैला रजा साहिबा। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा आपका। कराची में बड़ी तेज़ी से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गहमा गहमी लगी हुई है, पीएसपी है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, सिंध की बड़ी सियासी जमात की हैसियत से पीपल्स पार्टी इन तब्दीलियों को कैसे ऑब्जर्व कर रही है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि एमक्यूएम के बाद, अल्ताफ के बाद जो है, ये दोनों जमातें कराची में जो एक गैप बना था उसे फिल नहीं कर सकें। दोनों को किसी भी किस्म का कोई दुश्वारी नहीं थी, और अब तो दोनों ने खुद बता भी रहे हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, लेकिन ये गैप नहीं फिल कर सकें। जो सबसे बड़ा जलसा इनका हुआ 5 नवंबर को, वो खुद कैमरे बताएंगे कि 10 से 12 हज़ार लोग थे। वो एमक्यूएम जो कि एक एक जगह से 2-2 लाख वोट उठाती थी, वो 1.5 साल में 10 से 12 हज़ार लोग जमा कर सकी, और उन मजमे ने जाते जाते अल्ताफ हुसैन के नारे लगाए, ये वीडियो वायरल हुई है। वो तो ठीक है, लेकिन जो आप फैसिलिटेशन की जो बात कर रही हैं, अब सियासत हो गई, सियासी जमातें हो गई, इनके अंदर जो जोड़ तोड़ है, एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बात होती रहती थी, लेकिन आज बहुत खुलकर बात हुई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें की, तो दूसरी तरफ उन पर संगीन इल्ज़ाम भी लगाए हैं। क्यों किया गया ऐसा, और ऐसी सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट का मुतवक्के रिएक्शन आप समझती हैं कोई आएगा, किसी नौयत का रिएक्शन सामने आ सकता है, और क्या यह होना चाहिए था जो आज हुआ है? देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह से नाम इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बिलाल अकबर साहब बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और जिस दिन गवर्नमेंट के साथ एसडीजी कराची में अमन कायम किया, वो बहुत ज़बरदस्त मैं समझती हूँ उनके काम था,
और क्योंकि पुलिस जो थी हमारी उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब ही की सिटी गवर्नमेंट के ये नाजिम थे, बेकार कर दिया गया था पुलिस को। 12 मई को हमने देखा कि पुलिस के हाथों में डंडे थे, डीमोरलाइज थी पुलिस। फिर उसके बाद एक मैट्रिक पास नाजिम जो था वो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स की ACR लिखता था, तो पुलिस का तो रोल ख़त्म कर दिया गया था। और उसमें पुलिस ने पुलिसिंग की और उसके बाद रेंजर्स ने जिस तरह से काम किया और फिर पुलिस ने जिस तरह से कुर्बानी दी, तो मुस्तफ़ा कमाल तो हर वाक़े के जिम्मेदार नजर आते हैं। 12 मई को यही थे, बीबी साहिबा जब कराची आई हैं तो ये नाजिम थे, अपने आप को दुनिया का 2 नंबर नाजिम मनवाते थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको इनामात मिल रहे थे, किसी ने पूछा नहीं इनसे कि 2 दफ़ा की वजीर आजम आ रही है तो सड़क पे अंधेरा कैसा था। अब ये बैठ के टिस्वे बहाते हैं। दूसरी तरफ भी जो लोग हैं उनको आधे लोग तो आते ही नहीं है, MPS जो है, MNAs भी अक्सर नहीं है तो वो भी अधूरे हैं, DMCs जो हैं वो उनका साथ नहीं देती और वो अल्ताफ हुसैन की हैं और उन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किए हैं कि हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, कचरा ये नहीं कर सकते, सिंध हुकूमत करे। तो आपस में कोई भी किसी का ग्राउंड पे ये हम तनकीद सारी एक तरफ रखे हैं। अगर शैला रजा साहिबा, अमन अमान की आपने जिस तरह से बात की, ठीक है अमन अमान तो कायम हुआ है, शहर कराची में सुकून लौटा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये सब कुछ मुमकिन बनाया, लेकिन अमन अमान के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अगर इत्तेहाद कराती हैं, दो पॉलिटिकल जमातों के दरमियान मुलाकात कराती हैं, तो ये कैसा है? क्या अमन अमान के लिए ऐसा कुछ करवाया जा सकता है दो सियासी जमातों के दरमियान? उनकी ड्यूटी नहीं है, अमन अमान भी वो जब ही कराती हैं जब उनको आर्टिकल 147 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी कंडीशंस पे बुलाती है और उनका जो काम है, दे आर नॉट ट्रेंड फॉर पॉलिटिक्स। ठीक है, और अगर ये था तो फिर आप देख लें कैसा नेचुरल साबित हुआ। आप खुद सोचें कि जिस सुबह को ये बैठे हैं, जिस रात दूसरे दिन जो ये बैठे हैं, उससे एक दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम दफन कर देंगे। उससे पहले फारूक सत्तार ने कहा था कि मेरा कोई MNA MPA गया तो हम सब रिजाइन कर देंगे। इससे पहले ये हो रहा था कि जो हमारे लोग हैं उन पे जबरन दबाव डाला जा रहा है कि तुम PSP ज्वाइन करो वरना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और कण टूटे ये लफ्ज इस्तेमाल हुए थे तो मैं कह रही हूँ कण टूटे जो है वहां जा रहे हैं और धुल रहे हैं। और आज दोबारा ये बात कही गई कि इनके 90% कारकुन हमारे कॉन्टेक्ट में है लेकिन वो उनपे जबर है इसलिए वो नहीं आ सकते। तो भाई कौन जाबिर है, कौन जबर कर रहा है? ये बिल्कुल ऐसा लगा मुझे जैसे PTI के दरख्त पे जाके एक ही तरह से जो है वो जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी बैठ गए थे। ये बिल्कुल अननेचुरल था और इसी तरह इन्होंने अपने तौर पर MTM पाकिस्तान जो है इन्होंने अपने तौर पर ये समझा के ये इस तरह मिल जाएंगे तो नीचे लोग, क्योंकि ये भी पॉलिटिकल नहीं है थे, इनको ज़ियाउल हक ने बनाया था, इनके एक ही आदमी का हुक्म चलता था माफिया का। और ये सारे जो आज टिस्वे बहाते हैं कि हम उसे नहीं मानते, हम उसे नहीं मानते, वो तो 90 से बाहर है, ये सारे उसके हुक्म पे 30-30 लाशें गिराते थे तो आज क्या उसकी रूह आके गिराती थी? तो आज जो ये कहते हैं कि हम हट गए तो इनके नीचे के लोग तो वो बात ही नहीं कर रहे। आज फारूक सत्तार साहब ने कहा कि नई MQM है, नई MQM का दावा कर रहे हैं, वो दोबारा अजीज़ाबाद पहुंचे हैं और कहते हैं कि तमाम तर इल्ज़ामात से पाक हो चुकी है उनकी जमात। तो आप समझते हैं किसी नई MQM का वाकई शहर कराची में जन्म हुआ है, सिंध की सियासत में एक नई MQM का चेहरा देखने को मिलेगा? नाजिया मुझे आप एक बात बताएं, हमारे यहाँ ऐसी हजारों नई लाखों माए हैं जिन्होंने अपने सपूत पैदा किए और इस मुल्क के ऊपर उनके बच्चों ने जान निछावर की, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ और हो रहा है? ये कहते हैं कि हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, फिर उसी बानियाने पाकिस्तान की औलाद जिन बानियान ने अपनी जानें दी, अपने सारी जायदादें छोड़ के आई, उनमें से एक नाखलफ जो है उसी पाकिस्तान को जिसके लिए आपने जाने दी वो बुरे तरीन अल्फाज कह दे और आप कहें बानी कायद की हम इज्जत करते हैं, बानी कायद की इज्जत करते हैं। अरे मुल्क पे बेटे जो निछावर करती हैं माएं, उनसे पूछो कि बानी कायद की क्यों इज्जत करते हो, इनसे बुराई करवा के दिखवा दे,
ये अल्ताफ हुसैन साहब के अलावा बात कर नहीं सकते, इनसे बुराई करवा के दिखा दें अल्ताफ हुसैन। चले जरा अब पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाते हैं। पीएसपी और मुत्तहिदा का इत्तेहाद तो नहीं हो सका है, पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल से फायदा क्या उठा सकती है? एमक्यूएम के कुछ रहनुमा ने तो हालिया दिनों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें भी की हैं। डॉक्टर आसिम आज ये कह रहे थे कि कई रहनुमा उनसे रابطے में हैं, तो वो गैप जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, क्या वो गैप पीपल्स पार्टी फिल कर सकती है? पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी सरप्राइज देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए कोई इनका आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी ने जबर किया है कि उसमें जाओ। हमने कराची के लोगों को अमन दिया है, आर्टिकल 147 के तहत बुलाया रेंजर्स को और अमन दिया। हमने कराची में मुस्तफा कमाल से ज्यादा हमने काम किया इस वक्त, जितनी सड़कें बनाई गई हैं जिस स्टैंडर्ड की, एक ही सड़क पे बार बार पिचकारियां नहीं मारी हैं हमने। और हमने हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर किए, इनके जमाने में सोबराज जैसा भी हॉस्पिटल 1 बजे बंद हो जाता था। हमने इंटर तक तालीम भी फ्री की है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दी हैं। इनके जमाने में लियारी में गैंगस्टर थे, हमारे जमाने में मेडिकल कॉलेज और पाकिस्तान बनने के बाद कराची यूनिवर्सिटी के बाद से दूसरी यूनिवर्सिटी है, चाहे एस एम लॉ कॉलेज हो, कॉमिक्स कॉलेज हो, सिंध मदरसतुल इस्लाम हो, ये सब हमने यूनिवर्सिटीज दी हैं। और हॉस्पिटल में चाहे एनआईसी वीडियो हो, SIUT हो, कुछ भी हो, हमने सबके हालात अच्छे किए हैं, तो हमने इनसे ज्यादा काम किया है। आपने गुड गवर्नेंस का जो जिक्र किया है, आज फैसल सब्जवारी साहब भी ये कि गुड गवर्नेंस के लिए वो पीएसपी तक से इत्तेहाद कर सकते हैं, कोई भी जमात जो गुड गवर्नेंस लेकर आएगी वो इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान भी इंतखाबात से पहले या बाद में कोई सियासी इत्तेहाद मुमकिन है, या दरवाजे आप लोगों ने सिर्फ जो नाराज हैं जो मुनहरिफ रहनुमा हैं उन्हीं के लिए खोले रखे हैं? नाजिया माशाल्लाह आप काफी अरसे से प्रोग्राम कर रही हैं, आपको याद होगा कि हमारे प्रीवियस टेन्योर में इनके 13 मिनिस्टर थे और पता नहीं कितने मुशीर थे, और ये बहुत खुश थे इन द एंड, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट में 50% केयर टेकर गवर्नमेंट में 50% मशावरत ऑपोजिशन से होती है, तो इन्होंने अपने आप को ऑपोजिशन किया था, अदरवाइज दे वर वेरी हैप्पी। ठीक है ठीक है। शैला रजा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है और छोटा सा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि पीएसपी और मुत्तहिदा की आपस की जो लड़ाई है, इस रिफ्ट का अंजाम आप क्या देख रही हैं, किसको फायदा होगा इससे, किसको इसको नुकसान होने वाला है? देखिए अगर ये मिल भी जाते तो मैंने कहा था कि 0+0=0, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुशर्रफ के साथ मिले सारे जीरो, बिल्कुल इसी तरह जैसे पीटीआई से मिली नेशनल फ्रंट इज वो बिल्कुल जीरो, तो ये बिल्कुल जीरो रहता, क्योंकि ये बेल नहीं चढ़ सकती। मुस्तफ़ा कमाल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंतहाई साइड पे थे, और हमें मुत्तहिदा वालों से पता चला है बहुत पहले और उसके बाद भी, ये तो कभी भी अलग ना होते, वो तो जब इनसे हिसाब मांगा गया और इसके बाद इनको मुत्तहिदा के लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनको खुर्शीद मेमोरियल में जो है वो 22 दिन या 17 दिन इन्हें रखा गया, और लड़कों को हिदायत थी जब ये निकले तो इन्हें जूता मारे, फिर इनसे सब ले लिया गया, फिर ये चले गए यहाँ से, फिर इन्होंने छोड़ा है, अदरवाइज ये तो साथ ही थे। आप सबको याद होगा जो इनके काम थे सब थे, कितनी दफा 1-1 रोड बनती थी, कैसे पूरा शहर खोद दिया गया। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, आपने वक्त दिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली हमारे हमराह थी, और कराची की ये सियासत पूरे मुल्क में ही इस वक्त गहमा गहमी रही। कराची के ये जो 2 रोज गुजरे हैं और इन तमाम तर एक्टिविटीज़ के जो असरात हैं वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में बहुत वाज़े खदोखाल के साथ सामने आएंगे। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से दीजिए मुझे इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। करनो पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोंस्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?